हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाइड्रा टूल, जो कि कैप्टन अमेरिका का जो विलन का जो ग्रुप है, एक शील्ड के अगेंस्ट जो ग्रुप है उसके नाम पे ये टूल इंस्पायर्ड है। तो इस टूल को मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे firmwarekit.com वेबसाइट का नाम है, लिंक है, उसकी मदद से आप ये पेज अपने कंप्यूटर में खोल लीजिए और आप अपने कंप्यूटर में ये टूल डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो जैसा आप देख सकते हैं, टूल को मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा हुआ है और ये टूल लगभग 394 MB का है। तो मैं इसे फटाफट एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। तो जैसा आप देख सकते हैं, टूल हमारे कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और फोल्डर के अंदर हमें कुल इतने सारे फाइल्स दिख रहे हैं, तो हमें ओपन करना है humtwol.exe को। तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और सिलेक्ट करूँगा रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। तो शायद ये टूल एक बार में अगर नहीं खुलता है तो आपको दोबारा ओपन कर लीजिएगा सेम मेथड से, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल हमारे कंप्यूटर में ओपन हो गया है प्रॉपरली। और यहाँ पे जैसे मैं मेन पे जाता हूँ तो कुछ इस तरह से प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला जो टैब है, मुझे क्वालकॉम पे जाना है और यहाँ से इस टूल को मुझे अपडेट करना होगा, तभी ये टूल ओपन हो पाएगा। तो स्टार्ट अपडेट, और अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लगभग 14 MB का क्वालकॉम का जो हाइड्रा का टूल है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं ओपन कर सकता हूँ इस टूल को। तो तब तक हेल हाइड्रा आप चिल्ला सकते हैं या बोल सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल लगभग डाउनलोड हो गया है कंप्लीट, और अब मैं इस टूल को ओपन कर सकता हूँ। तो रन सॉफ्टवेयर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में खुल के आ जाएगा। तो फिलहाल मैं कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे कर्नल 32.dll का, पता नहीं क्यों। तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर से मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं, फिर से वही इशू आ रहा है। तो जो मीडिया टेक का है उस पर भी मैं अब डिस्क को अपडेट कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अपडेट चल रहा है और लगभग 16 MB का फाइल है, और जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो शायद ओपन हो जाए टूल, क्वालकॉम की तरह धोखा ना दे। तो रन सॉफ्टवेयर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है, hqtool.exe इज रनिंग। पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। अगर स्पेक्ट्रम को मैं ट्राई करता हूँ, इसको भी मैं अपडेट कर लेता हूँ, तो ये लगभग 14 MB का फाइल है और थोड़ी देर में हो जाएगा डाउनलोड। तो लगभग टूल डाउनलोड हो चुका है और शायद ये भी बाकी दोनों टूल के तरह धोखा दे दे, ओपन ना हो। रन सॉफ्टवेयर करता हूँ और इसमें भी एरर आ रहा है, hqtool.exe इज रनिंग। तो मैं इस टूल को एक बार बंद करके फिर से ओपन करूँगा, शायद ये ओपन हो जाए। और मैं थोड़ा सा टास्क मैनेजर चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कुछ रन तो नहीं हो रहा पहले से। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा जो कि बंद होना चाहिए था। तो मैं फिर से इस टूल को ट्राई करता हूँ, रन एडमिनिस्ट्रेटर, और टूल खुल चुका है और मैं क्वालकॉम पे जाता हूँ और रन सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोसेस हुआ नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों। मैं दोबारा रन करता हूँ तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। तो इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल में, और मैं मैन्युअली, जो आप देख सकते हैं कि हाइड्रा MTK टूल है, हाइड्रा क्वालकॉम टूल है, हाइड्रा स्पेक्ट्रम टूल है, तो मैं मैन्युअली खोलने की कोशिश करता हूँ। तो राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ भी इशू आ रहा है कि HQ टूल इज़ रनिंग, जो कि आपके सामने बंद है। फिर भी टास्क मैनेजर में मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू आ रहा है। HQ टूल यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो मुझे अभी बंद करना चाहिए था।
पता नहीं क्यों इशू हो रहा है टूल ओपन करने में। मैं फ़िलहाल मैं आपके सामने ये टूल नहीं खोल पाऊँगा क्योंकि कुछ इशू चल रहा है टूल के अंदर। मुझे पता है कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मैंने कोई भी फीचर इस टूल का डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये टूल ओपन ही नहीं हुआ हमारे कंप्यूटर में। शायद आपके कंप्यूटर में हो जाए, तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार डाउनलोड करके ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टूल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार ट्राई करिए और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में ये टूल ओपन हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो हमारे कंप्यूटर में क्यों नहीं हुआ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर बंद कर रहा हूँ और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।